विश्वविद्यालय श्री सिरेमल बापना व्याख्यानमाला आयोजित कर रहा है। ये पहले भी की जाती रही है और अब एक बार पुनः हम सब मिलकर इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं, अतिथियों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। ये सत्र आज 12 जनवरी को आयोजित करने की एक बहुत ही खास वजह यह भी है कि आज हम युवा दिवस तथा श्री स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पावन पर्व पर माननीय श्री सुशील जी पंडित से प्रेरित हो। आओ मित्रों, चले अतीत में मिलकर भारत का गौरव नाथ करें, नरेंद्र नाथ से बने विवेकानंद उन स्वामी जी को याद करें। स्वामी विवेकानंद जी भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, एक ऐसे महापुरुष जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार, उनके आदर्श और उनका युवा पीढ़ी पर विश्वास। किसी भी देश की युवा उसका भविष्य होते हैं, उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर होती है। यह मत रखने वाले महापुरुष के विचारों में युवाओं में ऊर्जा, सकारात्मकता तथा तेज भरने की ताकत थी, परंतु आज की पीढ़ी उनके विचारों को भूलती जा रही है। अब हम औरों में नहीं खुद में भगवान ढूंढते हैं, परंतु इस मौके पर उनके विचार तथा हमारे दायित्व दोनों ही स्मरण करने की आवश्यकता है। कोई याद भला क्यों करता, महान हुए कुछ लोगों को, क्या कुछ देकर गए महापुरुष धर्म के इन उद्योगों को। क्यों स्वामी के बाद कहीं से कोई तरुण नहीं आया, क्यों स्वामी के सब भक्तों को लील बई बई जुमाया। आज उस स्वामी को हमको नई दशा में लाना है, क्या था सपना स्वामी जी का, बस इतना समझाना है, बतलाना है आज तरुण को क्या मतलब तरुणाई का, समझाना है अर्थ विचार की एक नई अंगड़ाई का। त्याग और संयम की अब तो नई परिभाषा देगा कौन, नई चुनौती नव क्रांति की नव आशा अब देगा कौन। आओ एक संकल्प करें हम आज भी स्वामी की खातिर, हम देश के सेवक होंगे, हम नहीं होंगे कोई शाते, हम नहीं होंगे कोई शाते। तो अब इसी उमंग और उत्साह के साथ मैं आज के अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय कुलपति जी डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़, आज के मुख्य वक्ता सुशील जी पंडित, आज के मुख्य सदस्य राजेंद्र सिंह बापना और मनोहर देव सर, आप सभी से मैं विनती करती हूँ कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अपने आप में एक अलग अनूठा व्यक्तित्व है जिनके बारे में बात कर सकते हैं।
दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि दो फ्लैग्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं। एक तरफ है स्वामी विवेकानंद, जिनके चेहरे से तेज ओज आपको परिलक्षित होता है। दूसरी तरफ हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व का हमने लगाया है, जिनके नाम से हम इस व्याख्यान माला को चलाने वाले हैं। आपको एकत्रित करने का श्रेय आज हम देते हैं तो वो श्री सिरेमल जी बापना को देते हैं। मैं इनके व्यक्तित्व से आपका थोड़ा परिचय करा देती हूँ, क्योंकि हम ये व्याख्यान माला में बैठे हैं तो एक महान व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्याख्यान माला का आयोजन क्यों। तो इंदौर के ऐतिहासिक परिदृश्य से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे यहाँ अगर अनभिज्ञ हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कि श्री सिरेमल बापना जी का परिचय मैं बहुत संक्षिप्त लाई हूँ। और ये भी मुझे लगता है कि मैं लाई हूँ कैसे बड़ी मुश्किलों में, क्योंकि बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है, उसको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बुलेट्स में यहाँ पर समेटा है। आपका जन्म 24 अप्रैल 1885 को हुआ। अब मैं उनके व्यक्तित्व के कुछ एक बिंदु आपकी समझ रखती हूँ, आपको सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। आज के तारीख आज में जब हम देखते हैं बहुत व्यावसायिकता है, आपको सिर्फ पैकेज की चिंता है, आपको नौकरी की चिंता है, व्यवसाय की चिंता है, ऐसे व्यवसाय और व्यवसायीकरण के दौर में ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सर बापना एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे जो केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं थे, आज वर्तमान तक हैं और हम उन्हें आगे तक ले जाएंगे इस व्याख्यान माला के जरिए। उनकी कार्यशैली वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणादायी अनुकरणीय है। उन्होंने मूल्यों को जीवन और कार्यप्रणाली का आधार बनाया जो शाश्वत होते हैं। उनकी शासन प्रशासनिक कार्यशैली कालजीवी नहीं अपितु कालजयी है। आवश्यकता इसके निरंतर प्रचार प्रसार की है। इसके लिए बताना चाहूंगी कि इंदौर एक होलकर रियासत, एक होलकर स्टेट हुआ करती थी और वो उसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आपके लिए प्राइम मिनिस्टर एक अलग पोस्ट है, लेकिन उस समय की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक अलग पोस्ट हुआ करती थी, जिसका संचालन अपने दक्षता के साथ ही श्री बापना जी किया करते थे। उनकी कार्यशैली अतीत वर्तमान भविष्य की सभ्यताओं के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। शासक होना सौभाग्य और अभिशाप माना जाता है, कारण शासकों को कई कार्य अंतरात्मा के विरुद्ध करना होते हैं। शासक और प्रशासक कार्यकाल के दौरान सर सिरेमल बापना की यात्रा तलवार की धार पर चलने के समान रही। अपने असाधारण व्यक्तित्व पर सर सिरेमल बापना ने कभी भी अपने पद पर आंच नहीं आने दी। शासक प्रशासक की आंच के परे उनका चेहरा कर्मों के प्रकाश की तरह चमकता रहा। उनकी इस सफलता में बुनियाद के कई गुण थे। वे गुण है विनम्रता, दरियादिली, ईमानदारी, अपरिग्रह और इन सबसे ऊपर निर्भरता, निर्भयता जैसा गुण। अपने पुरखों से मिले इस गुण को श्री सर बापना ने न केवल रक्षा की अपितु इनका संवर्धन भी किया। उनकी कुछ शासन प्रशासन के काल की कुछ वानगियां हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस विराट व्यक्तित्व को कैसे देख पा रहे हैं आज। सर सिरेमल जी बापना के वंशजों का निवास वर्तमान में ओल्ड पलासिया क्षेत्र में बापना हाउस में है, किंतु सर सिरेमल जी बापना शासन प्रशासन कार्यकाल के दौरान इंदौर रजवाड़े के समीप सदर बाजार क्षेत्र में बनी कोठी में रहे। कोठी आज भी बापना कोठी के नाम से जानी जाती है। सदर बाजार मार्ग का नाम बाद में बदलकर सिरेमल बापना मार्ग कर दिया गया। यह मार्ग वर्तमान में जो सुभाष मार्ग है, जो इमली बाजार चौराहे से मरी माता तक जाता है, जिन्होंने देखा होगा इंदौर में सड़क पर चलकर, वो शायद जानते होंगे इस चीज को। बापना साहब के कार्यकाल पश्चात यह कोठी इंदौर उज्जैन संभागायुक्त की कार्यालय रही। वर्तमान में कोठी के सामने स्थित सिंचाई कॉलोनी उस बगीचे पर बनी है जो कभी रियासत काल में प्रधानमंत्री आवास का बगीचा रहा था। सर सिरेमल बापना प्रातःकाल एक घंटा बगीचे में घूमते, लोगों से भेंट करते और घूमते घूमते ही उनकी शिकायतों का और उनकी परेशानियों का हल वहीं निकाला करते थे। शासकीय समस्या है तो लिखित में आवेदन लिया करते थे। आप चलते हैं आइडिया एडवर्टीजमेंट वॉक एंड टॉक, वो देखते हैं आप, वो आप बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, सब पुनरावृत्ति है। बापना जी अपने बगीचे में चलते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया करते थे। यदि शासकीय समस्या है तो लिखित में, निधि समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर दिया करते थे। ये व्यक्तित्व की विशालता का प्रतीक है कि अगर कोई व्यक्ति निजी समस्या लेकर आया है तो उसको आप सरलता से वहीं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। निजी समस्याओं में बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक मदद, अभावग्रस्त लोगों को सहायता, अनाथ असमर्थ बच्चों की मदद, उनकी शिक्षा का भार उठाना, प्रधानमंत्री आवास के आउट हाउस में रहने उनकी व्यवस्था करना, वेतन से ऐसे बच्चों की फीस कमरों की व्यवस्था करना, ऐसे कई समाधान उनकी समस्याओं में शामिल हुआ करते थे। बापना जी को उस समय जो वेतन मिलता था वह आज की तुलना में 1 करोड़ प्रतिमाह के लगभग मान सकते हैं। उस समय वेतन 4,000 रुपए प्रतिमाह था, परंतु बचत कुछ भी नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री के निजी खाते का बैंक से कुछ लेना निकलता भी था, कारण जितना मिलता था उससे अधिक वो खर्च पीड़ितों पर कर दिया करते थे। अभावग्रस्तों जरूरतमंदों की सेवा में वो अपनी वेतन से ज्यादा वो खर्च करते थे, उनमें संघर्ष प्रवृत्ति नहीं थी। धर्म से जैन ही नहीं अभी तो आचरण से पक्के जैन धर्मावलंबी
और पूरा वेतन जरूरतमंदों पर खर्च हो, ऐसा उदाहरण शासन और प्रशासन में आज माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढने पर मिल सकता है, शायद ही मिलेगा, मुझे नहीं लगता मिलेगा। इसलिए परम आदरणीय सर सिरेमल जी बापना साहब के कार्यकाल के कायल आज भी इंदौर के वे सुधी नागरिक हैं जिन्होंने उनके या उनके पुरखों के काल को देखा है। कुछ लोग वर्तमान में हैं जिन्होंने उनके उन जो बचपन में थे, जो अभी जिनकी उम्र 70-75 के ऊपर है और वो छोटे थे, उन्होंने उस समय उनको देखा हुआ है और वो अभी भी उनके उदाहरण दिया करते हैं, उनके प्रशंसा करते हैं। बापना जी की कार्यशैली के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। इस व्याख्यान माला के तहत भविष्य में और भी ऐसे उदाहरण रखे जाएंगे, मैं सारा आज नहीं बताऊंगी क्योंकि ये व्याख्यान माला है। चूंकि ये माला है तो हम बापना जी के चरित्र पर, उनके किरदार पर, उनके कार्यशैली पर और आगे प्रकाश डालते रहेंगे क्योंकि वो एक प्रकाश स्तंभ है, तो हर व्याख्यान माला में आपको एक अलग तरीके से प्रकाश देंगे। उनकी बेरोड़ कार्यशाली, कार्यप्रणाली, प्रशासनिक कार्यशैली से परिचित कराएंगे और वर्तमान पीढ़ी जिससे अनजान है। ये तो हुआ सर सिरेमल बापना जी के बारे में परिचय, लेकिन उसके साथ एक और चीज उल्लेखनीय है, वो ये है कि परिवार जब वंशज जिस तरह से चलते हैं वैसे ही उनकी आगे की पीढ़ियां काम करती हैं। और इसके बाद इनके जो पुत्र हैं उनका उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है। सर सिरेमल बापना के बेटे श्री प्रताप सिंह बापना भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए और वहां के वरिष्ठ अधिकारी रहे, मध्य प्रदेश के विकास आयुक्त रहे। विकास आयुक्त से बहुत आपको जानकारी है, ये शब्द आप बहुत सुन रहे हैं। और जिस नर्मदा का जल को आप बहुत खुशी खुशी पीते हैं और आपकी जीवन दायी नहीं है और आपको घर में नलों में मिल रहा है नर्मदा का जल, इसकी परियोजना का पूरा श्रेय हम प्रताप सिंह जी को देते हैं कि वो विकास आयुक्त है और उन्होंने आपके घर में, हमारे घर में नर्मदा को इस तरह से पहुंचाया। तो ऐसे ही बापना परिवार को मैं साधुवाद दूंगी कि उन्होंने इस चीज के लिए फिर से एक शुभारंभ किया है, एक कड़ी को जोड़ा है जिससे हम विश्वविद्यालय के नए विद्यार्थियों, इंदौर के पुराने लोगों और नए विद्यार्थियों का एक समन्वय, एक पुल बना सकें जिससे कि शहर की सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक चेतना को हम फिर से जीवित कर सकें इस व्याख्यान माला के जरिए। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुलपति जी से कि वे स्वागत उद्बोधन दें और शाब्दिक रूप से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सर सिरेमल बापना व्याख्यान माला जो बहुत पहले 2006 से भी पहले चालू हो चुकी थी, बीच में कुछ कारणवश हम नहीं कर पाए और बापना परिवार भी विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ पाया। अब ये अवसर है जब बापना परिवार विश्वविद्यालय से जुड़ा है। आज उपस्थित आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब बापना, सुशील पंडित जी, मनोहर देव जी, अशोक कोठारी जी, बापना परिवार से पधारे हुए सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापक साथियों और विभागाध्यक्ष मैडम सोनाली नारगुंडे जी, जो व्याख्यान माला लगातार चलाती रहती हैं और इनकी जवाबदारी आगे भी है कि ये व्याख्यान मालाएं लगातार चलाती रहें। बापना परिवार से भी निवेदन है कि यदा कदा ही सही पर आप विश्वविद्यालय में आते रहें और जो ख्यात नाम परिवार ने कमाया है उसे आगे भी कहीं ना कहीं हम जीवन शैली में रंगते रहें तो निश्चित अच्छा लगेगा। आप सबको सोनाली मैडम ने बताया कि सर श्रीमल बापना जी होलकर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, पर मैडम ने कहा कि आपको अगली बार कुछ कहेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंदौर की रूपरेखा ही एक अंग्रेज को बुलाकर सर गिडिस, पैट्रिक गिडिस ने इंदौर की पूरी संरचना की थी। ऐसा ही नहीं, इंदौर में वर्षों तक आज जो हम पानी प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए यशवंत सागर की योजना भी उनके जमाने में बनी थी। इससे आज तक पूरे इंदौर के एक तिहाई भाग को पानी मिल रहा है।
और जैसा मैडम ने बताया कि उनके बेटे ने भी इंदौर की नर्मदा जो जीवन लाइन है इंदौर की, उसकी शुरुआत भी उन्होंने की। ऐसा कहा जाता था कि नर्मदा कुमारी है, उसको इंदौर तक लाना संभव नहीं है, पर इस बापना परिवार ने उसे लाकर आज इंदौर को जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जिस प्रकार से ग्रोथ इंदौर में हुई है, उसकी सिरमौर बापना परिवार को ही कहें तो बहुत खुशी होगी। नई पीढ़ी भी उतनी एक्टिव है। बापना साहब जो उनके चौथी पीढ़ी में आते हैं, तीसरी पीढ़ी में आते हैं, उन्होंने इस अलग को वापस जगाया और मुझे 2007 का जो विश्वविद्यालय का पत्र 2006-07 का लाकर दिया कि सर ये हमारे पूर्वजों के नाम से एक व्याख्यान माला चलती थी, विश्वविद्यालय से पता लगाने की कोशिश की हमने, क्योंकि हमारे जो स्टाफ मोस्टली चुनाव में लगा हुआ है, बीएलओ की ड्यूटी पे लगा हुआ है, हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए। पर इस बीच मेरी उस जमाने में जो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं जगदीश उपाध्याय साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने कुछ अमाउंट जमा किया था, पर 2007 में जो अमाउंट जमा किया था जिससे व्याख्यान माला चलाई जा सकती है वो बहुत छोटा है। आज अगर व्याख्यान माला चलानी है तो आपसे उदय जी से मैंने बात की, आपने कहा कि जो राशि आपको लगेगी इस व्याख्यान माला को चलाने के लिए, विश्वविद्यालय ये काम करता है कि राशि एक जमा करा लेता है और उसका जो ब्याज आता है उससे लगातार व्याख्यान माला चल सके ऐसा प्रयास करता है। इसी प्रकार की हमारी स्थिति गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए भी है। अभी हमारा कन्वोकेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत से लोगों को सिल्वर मेडल मिला, बहुत से लोगों को गोल्ड मेडल मिला, और हमने नई डिग्री जो हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को देना शुरू कर दी, वही दिन हमारी शुरुआत का था। और कागज में बहुत सारे पॉइंट डाल दिए हैं जिससे उस डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, क्यूआर कोड से कहीं भी वो आइडेंटिफाई की जा सकती है, इसी सब व्यवस्था कर दी। तो मैं बापना परिवार से निवेदन करता हूं कि एक जो सेमिनार हो उसके ब्याज मिल जाए, हम मंथली ये सेमिनार करना चाहते हैं। ये मैडम सोनाली नारगुंडे को ये काम हमने दिया हुआ था, इससे क्योंकि जो अभ्यास मंडल काम करता था, अभ्यास मंडल के अशोक कोठारी साहब बैठे हुए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके कुछ साथियों को हमने साथ में जोड़ लिया और हम चाहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध या भारत प्रसिद्ध लोग आकर हमारे बच्चों को संबोधन दें, उनको विशेष जानकारी दें जिससे बच्चे कोर्स के अतिरिक्त नई कुछ बात सीख सकें, प्रैक्टिकल अनुभव उनको हो सके, वो क्वेश्चन आंसर जो अतिथि पधारे उनसे कर सकें। तो ये सब हम निश्चित रूप से सोनाली मैडम जो एक बहुत बढ़िया मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, जिनके पास सब सुविधाएं हैं, वो आसानी से कर सकेगी। मैं सोनाली मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बापना परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये काम शुरू किया। बापना परिवार ने सिर्फ यही काम नहीं किया है, आप जो हॉस्टल में रहते हो तो या आप जो मेन मार्ग से जाते हो, जो नया बस स्टैंड हमारा बना हुआ है प्राइवेट के लिए, उसके बाहर सर श्रीमल बापना छात्रावास है जो बहुत पुराना था और बापना परिवार ने ही उसे डोनेट किया है। पहले मेरा ख्याल है कि होलकर कॉलेज को दिया हुआ था और आज विश्वविद्यालय को दिया हुआ है। मैंने जब आपसे बात की और कहा कि ये
स्थिति अब इस हॉस्टल की बहुत गड़बड़ है, इसे हम रिनोवेट कराना चाहते हैं। तो बापना साहब ने तुरंत कहा कि हम एक पत्र दे देंगे और उसके साथ साथ 25 लाख रुपए भी हम शुरुआत में देंगे जिससे हॉस्टल को रिनोवेट कर सकें। और सर सिरेमल बापना जी की याद में जो फोटो है उसकी गैलरी भी एक फोटो गैलरी के रूप में हम वहां बना देंगे। मैं बापना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वापस जागरूक होकर इस नाम को रोशन रखने का प्रयास किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और इस दिन हम इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आप लगातार प्रयास करते रहें और जब तक आपको सफलता न मिल जाए, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएं, कभी आप रुकिए मत। तो निश्चित बापना परिवार ने भी वही किया है, विश्वविद्यालय की मैडम ने भी यही किया है और हम सब को भी यही प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा जीवन का टारगेट हो उसे जरूर जरूर अचीव करें। और तब तक सांस न लें जब तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर लें। आज यहाँ मनोहर देव जी जो स्वामी विवेकानंद केंद्र के मुखिया हैं आज उपस्थित हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूँ, उन्होंने इंडस्ट्री चलाई और आज समाज सेवा में आप निकल गए हैं। सुशील पंडित जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आपको व्याख्यान देंगे। मैं बहुत ज्यादा बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा मिलता ही रहता हूँ। विशेष रूप से पंडित जी कश्मीर के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है और भारत सरकार को उस बारे में क्या करना चाहिए। साथियों आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब पधारे, विशेष रूप से बापना परिवार को विशेष बधाई धन्यवाद। और मैं खूब ज्यादा विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलपति जी को स्वागत उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समय है आज के मुख्य विषय तथा मुख्य वक्ता को सुनने का, जिसका हम सभी को इंतजार था। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्हें सिर्फ पंडितों की ही नहीं बल्कि कश्मीर की आवाज कहा जाता है। माननीय सुशील जी पंडित ने अपनी बैचलर्स बीएससी इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से तथा एमएचएनई जेएनयू से कंप्लीट किया। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस तथा टेलीग्राफ के साथ भी काम किया है। साथ ही सर हाइप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के डायरेक्टर तथा सीईओ भी रह चुके हैं। पंडित जी का परिचय कुछ पंक्तियों में सामान्य जैसा तो नहीं है, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सफलताएं हैं सर की जिनसे हम वंचित हैं, परंतु सुशील सर की एक गुणवत्ता जिसके बिना उनका परिचय अधूरा होगा वह यह है कि सर कश्मीर हिंदुओं की वह आवाज है जो हिंदुस्तान की नैतिकता तथा आज के युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। माना जाता है कश्मीर का सच तब तक अधूरा है जब तक सुशील जी पंडित को ना सुना हो, और हमारे इस सच को पूरा करने तथा हम सब में एक नई उमंग और जोश जगाने के लिए भारत के स्वर्ग में बसने वाले माननीय सुशील जी पंडित को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। नमस्तुते माँ शारदे कश्मीर पूर्वासिनी प्रार्थये त्वामहं नित्यं विद्या ज्ञानं च देहि मा। ये आदि शंकराचार्य का श्लोक है माँ सरस्वती की वंदना में। मैं सरस्वती कुंज में हूँ, एक विश्वविद्यालय में हूँ। हमने माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन किया, उनका गायन सुना। मुझे लगा कि मैं भी अपना उद्बोधन माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करके शुरू करूँ। मंचस्थ माननीय कुलपति प्रोफेसर कागज जी, श्री राजेंद्र सिंह बापना जी, श्रीमान मनोहर देव जी, श्रीमान अशोक कोठारी जी,
प्रसाद जी, मैं यहां दूसरी बार आया हूं और आज ईश्वर का एक विशेष अनुग्रह अनुभव कर रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए ब्रह्म रूप में शुरू हुआ महाकाल की भस्म आरती के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने आनंद में हूं। फिर आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और आज जिस निमित्त मैं आपके पास आया हूं, उस महापुरुष की व्याख्यान माला का एक तरह से पुनर्जीवन कुछ अंतराल बाद हो रहा है। ये भी अपने आप में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। जब मुझे पता चला कि सर सिरमल बापना जी की व्याख्यान माला के उपलक्ष्य में मैं यहां आ रहा हूं, तो कुछ जानने पढ़ने की कोशिश की। इतना कुछ अभी आपने बताया। मैं मंच पर बैठा था तो अशोक जी कह रहे थे कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहां सबसे पहले एक मास्टर प्लान बना जो सर सिरमल जी ने बनाया था, उसके बाद करीब 10 रजवाड़ों में शहरों की एक व्यवस्थित योजना बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यदि किसी दूरदृष्टा का परिचय पाना हो तो आप समझ सकते हैं कि वह कैसे दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। ऐसा नया काम जो पहले कभी नहीं किया गया हो, सोचा गया हो, वह करना और उसको दूसरों के लिए अनुकरणीय बना देना। देखिए, वो दौर राजाओं रजवाड़ों का था। राजा लोग वंशानुगत राजा बनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कौशल की, बुद्धि की, मेधा की, चरित्र की, दृष्टि की आवश्यकता होती थी। वो वंशानुगत नहीं था। और ऐसे समय में जब यह देश पराधीन था, जब दारिद्र था, जब स्वयं बापना परिवार चुनौतियों से जूझ रहा था, ऐसे समय में मन लगाकर पढ़ना, उस समय आज से 125 साल पहले वकील बन जाना, वकालत पढ़ना, कानून पढ़ना और स्वयं को इस योग्य बनाना कि एक राजा आपसे कानून सीखने लगे और सीखते सीखते आपको गृहमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, आप समझ सकते हैं कि वह कैसे व्यक्तित्व का धनी, कैसा चरित्र रहा हो। और फिर ये उत्तरदायित्व पा करके विलक्षण काम करना जो लोगों के लिए, अन्य राजाओं के लिए, अन्य शहरों के लिए अनुकरणीय हो, उदाहरण बन जाए, कमाल का काम। और भी कमाल की बात यह है कि उनके वंशज आज उनकी स्मृति को यदि जिंदा रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो कैसे एक विश्वविद्यालय में एक संचित निधि देकर, जिससे कि उनके विषय में और अधिक जानकारी मिले, उनसे प्रेरणा लेकर के युवा आगे बढ़ें। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व को समय समय पर याद किया जाए और आज के संदर्भ में कुछ नया करने की, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, वो उस जमाने की उद्यमशीलता थी, उस जमाने के स्टार्टअप थे, सिटी का प्लान, मास्टर प्लान जो आज भी चल रहा है, जो आज भी इस शहर की के विकास को रेगुलेट करता है।
सौ साल से ज्यादा सर्वाइव करता है, अद्भुत है अपने आप में। और उनकी स्मृति को इस तरह से बनाए रखने के लिए परिवार का साथ हुआ और विश्वविद्यालय ने ये संभव किया साथ हुआ और मुझे अवसर दिया कि मैं उनके विषय में अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर सकूं। आभार। एक तथ्य और, ये वही दौर था जब स्वामी विवेकानंद भी, ये उनके समकालीन है, ये एक संयोग ही समझिए कि जो दो महापुरुष जिनके चित्र आज मंच पर हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में, सर सिरिमल जी का जन्म हुआ 1882 में, लगभग 19 वर्ष बाद। स्वामी विवेकानंद ज्यादा नहीं जिए, 1903 में उन्होंने देह त्यागी और 32 वर्ष की छोटी सी आयु में वो इतना कुछ विलक्षण कर गए कि आज भी ज्योति पुंज की तरह हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और खास तौर पर आज, क्योंकि इस समय युवाओं के पास भटकने के बहुत से कारण हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं, प्रचुरता है, उस समय जब हम हर तरह की गुलामी के बोझ से दबे थे, राजनीतिक गुलामी तो थी ही, हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चकनाचूर कर दी गई थी, गुरुकुल बंद कर दिए गए थे और केवल गुलामी की मानसिकता क्लर्क और सहायक पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो अंग्रेजी सांचे में ढली समरी, एक उपनिवेश को के प्रबंधन में अंग्रेज की सहायक बन सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली थी। सामाजिक तौर पर मिशनरी हावी थे, धर्मांतरण हो रहा था, 800 साल के एक क्रूर भयानक दौर से गुजरने के बाद, हिंसक दौर से गुजरने के बाद, तबाही के दौर से गुजरने के बाद, हम लूटे जा रहे थे, कानून बनाकर कैसे हम लोगों को इस, अगर राष्ट्र शरीर है तो उसकी धमनियों से कैसे खून चूसा जा रहा था, वो हो रहा था। 16वीं-17वीं शताब्दी तक जो देश दुनिया की 1/4 जीडीपी पैदा करता था, आपको विश्वास होगा कि भारत के पास दुनिया की 1/4 जीडीपी थी आज से मुश्किल से 400 साल पहले तक, 350 साल पहले तक। और जब अंग्रेज भारत से गया, वो जीडीपी 2% भी नहीं रही थी। जो शस्य श्यामला भूमि थी, जो दुनिया को खिला सकती थी, वहां अकाल पड़ने लगे थे, लाखों लोग भूख से मर जाते थे, औसत आयु 40 नहीं थी, 30 नहीं थी, इतना छोटा जीवन हो गया था, ऐसे दारिद्र्य में देश आ गया था। चावलों की एक थैली पर लोग धर्म छोड़ देते थे, दो जून खाने के लिए पुरखे बुला देते थे, ऐसी मजबूरी में लाके देश को रख दिया था। तब स्वामी विवेकानंद ने तय किया कि ये जो सेवा के नाम पर हम लोगों के साथ छल हो रहा है, इस सेवा को हम करेंगे ताकि इस छल का एक काट निकाला जा सके। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो समाज अपने हिंदू होने के तथ्य पर हीन भावना का शिकार था, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से कटकर, जड़ों से उखड़कर
भटक रहा था अंधेरे में, उसको एक गर्व की अनुभूति देने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया, उसके भीतर आत्मविश्वास जगाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। मात्र 39 वर्ष जिए, मुश्किल से 30 वर्ष के थे जब शिकागो गए 1893 में। उनका वो भाषण आज भी याद किया जाता है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस भाषण की 125वीं वर्षगांठ पर पिछले सितंबर, अभी बीते हुए सितंबर में शिकागो में था, जहां वह वर्षगांठ मनाई गई और हमने उन्हें याद किया। इस देश ने उस विपत्ति के दौर पर एक ऐसा बेटा पाया था थोड़े से समय के लिए, जो पूरे समाज में फिर से प्राण फूंक गया। तो जैसे इंदौर अपने एक बेटे को याद करता है सर सिरमल को, हम भी इस देश के, इस भूमि के, भारतवर्ष के एक अनन्य पुत्र को हर 12 जनवरी को याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को। ऐसा नहीं है कि आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं, बहुत बेहतर हैं। आज भी हम लोग जूझ रहे हैं, इसलिए याद करने की आवश्यकता और अधिक है। हम जूझ ही रहे हैं, तब भी हम एक बड़ा देश थे। जब अंग्रेज गया तो हम 33 करोड़ थे, आज हम शायद 130 करोड़ हैं, 100 करोड़ और ज्यादा हैं, लेकिन आज भी जूझ रहे हैं। और कारण वही है, अशिक्षा है, गरीबी है, अभाव है, और सबसे ऊपर लगभग घिरे हुए हैं शत्रुओं से, समस्याओं से, जो हमें जैसे हम हैं वैसे रहना नहीं देना चाहती। हमारे अस्तित्व की भी लड़ाई है और अस्मिता की भी लड़ाई है। हम बचेंगे कि नहीं, और अगर हम बचेंगे भी तो क्या होकर रह जाएंगे, ये दोनों प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं। इसलिए ऐसे दिनों में पर भक्ति के ऐसे बेटों को याद करना, उनके उदाहरण से सीखना, प्रेरणा लेना और संकल्प करके आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है, ईश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, और विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हमें ऐसा अवसर प्रदान करते रहते हैं समय समय पर। मुझे लगता है कश्मीर उसी पूरे बड़े चित्र का एक छोटा सा अंश है। कश्मीर एक उदाहरण है, कश्मीर एक निमित्त है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं, पूरे देश में लगभग 500 कश्मीर तैयार हो रहे हैं। आप केवल एक कश्मीर की चिंता कर रहे हैं, जो गलतियां दर गलतियां कर करके आपने आज उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि किसी को कुछ सूझता नहीं है। लेकिन कश्मीर से बाहर देश भर में जो 500 कश्मीर पैदा हो रहे हैं, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी इसी स्थिति में आ जाएं कि जब कुछ ना सूझे कि अब इनका क्या किया जाए। किसी को आज तो उनकी चिंता करनी पड़ेगी, और उन कश्मीरों में कोई धारा 370 नहीं है कि आपके हाथ बंधे हो। वो कश्मीर भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है कि आप कुछ ना कर सकें। एक कश्मीर को तो आपने संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख दिया 370 के माध्यम, और जैसे वो काफी नहीं था तो आपने 35A और लगा दिया, वो संविधान के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर कर दिया। और फिर
हाथ महसूस करके पूछते हैं कि वहां किया क्या जाए, कैसे किया जाए। लेकिन बाकी के देश में जो हो रहा है उसमें तो आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वहां तो गुंजाइशें ही गुंजाइशें हैं। हां, समय बहुत ज्यादा नहीं है, और यदि समय रहते आपने वहां कुछ नहीं किया तो फिर वही स्थिति होगी, हाथ महसूस करके पूछना क्या क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में हम पहुंचे कैसे? कश्मीर आखिर था क्या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? मुझे कभी कभी लगता है कि अनभिज्ञता की पराकाष्ठा है। कश्मीर के विषय में पूरा देश इतना अनजान है कि उसे अंदाज नहीं है कि वहां हम क्या खो रहे हैं। मैं कल आईएम में था और एक और यहां इंस्टीट्यूशन है प्रेस्टीज, वहां गया था, पूछा कुछ लोगों से कि जब आप कश्मीर के विषय में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है। एक बात यह आती है कि वो सुदूर उत्तर में कोई हमारा प्रांत है, एक प्रदेश है। एक बात यह भी आती है कि वहां किसी तरह का विवाद है। विवाद यह है कि भारत को लगता है कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को लगता है कि वो उसकी शाहरग है, जुगलो वेन, उसके बिना उसका जिंदा रहना मुश्किल है। एक भूमि का टुकड़ा है, उसके ऊपर दो देश लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो कश्मीर हो आए हैं वो कश्मीर को एक और आयाम में देखते हैं कि ये शायद भूमि पर स्वर्ग है, बहुत सुंदर है, प्रकृति ने उसे बहुत कुछ दिया है। लेकिन इसके अलावा कश्मीर क्या है, इसके विषय में जानकारी बहुत कम है। मुझे भी नहीं थी। हम लोग जब कश्मीर से निकाले गए 1990 में, पूरा का पूरा समुदाय, सारे हिंदू वहां से मार कर खदेड़ दिए गए, तो वर्षों तक मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ खोया है वहां तो अपना घर खोया है। मेरे माता पिता जहां पैदा हुए पले बढ़े, उनके बाप दादा जहां पैदा हुए पले बढ़े, खेले कूदे, जो उनकी कर्म भूमि रही, जहां उन्होंने चिंतन मनन किया, जहां पीढ़ियां उनकी आई और गई, वो घर, वो आंगन, वो गली कूचे, वो खोए हैं। तो दिस वाज अ पर्सनल लॉस, एक तरह का एक व्यक्तिगत नुकसान कह सकते हैं था कि मैं वो घर अपने बच्चों को नहीं दिखा पा रहा हूं जिस घर के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं, या अपने बूढ़े मां बाप को वहां नहीं ले जा पा रहा हूं जिनकी आंखें तरसती हैं उस घर को देखने के लिए। लेकिन घर बन जाते हैं, आप कहीं भी रहें, थोड़ी मेहनत कर लें, कुछ जुटा लें, चार दीवारी खड़ी करके छत डाल लें, घर बन जाता है, और उस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है। हाँ, यादें धीरे धीरे धूमिल होती हैं और दो चार पीढ़ी में खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर एक अनुभव आया, एक व्यक्ति से मिला मैं रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां एक सज्जन थे डॉक्टर सूर्यकांत बाली, संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत मेरा विषय नहीं था, मैं विद्यार्थी परिषद में था, वो विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसके नाते उनसे बातचीत होती रहती थी, तो उनका स्नेह मुझे मिला और मुझे पता चला उनकी बहन भी संस्कृत पढ़ाती हैं, उनकी पत्नी भी संस्कृत पढ़ाती हैं। मैंने कहा आपका परिवार पूरा संस्कृत में है और मैं अभागा संस्कृत नहीं पढ़ पाया, ये क्या मामला क्या है, आप पर इतनी विशेष कृपा कैसे है ईश्वर की?
तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता डॉक्टर चंद्रकांत बाली वो मुल्तान संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो उन्होंने सबको संस्कृत पढ़ाई और बहुए और दामाद भी संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले लाए। क्या बात है, तो मैं मिलना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये घर ले गए, वो 90 से ज्यादा की आयु के थे, तो उन्होंने मेरा परिचय उनसे कराया, कहा कि ये सुशील है, ये कश्मीर से है। तो उन बूढ़ी आंखों में एकदम चमक सी आ गई, उन्होंने कहा तुम कश्मीर से हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पंचांग दुनिया का सबसे पुराना पंचांग है। मैं कहा जी पंचांग देखने का काम माँ बाप करते हैं घर में, उनको तय करना होता है किस दिन कौन सा त्योहार है, क्या मुहूर्त है, क्या कब अमावस्या है, कब उपवास है, कब श्राद्ध है, कब मतलब ये सब वो देखते हैं भैया, हमें क्या देखना। मैंने तो कहते नहीं देखो जाकर। मैं घर गया, मैंने पिताजी से उसकी प्रति मांगी। आज उस पांचांग का 5094वां साल चल रहा है, उसका नाम है सप्तऋषि संवत। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार मुझे लगा कि मैंने केवल अपना घर नहीं खोया है कश्मीर, कश्मीर में इतनी पुरानी चली आ रही परंपरा 5094 सालों से मेरा समुदाय वहां काल गणना कर रहा है, पंचांग लिख रहा है, छाप रहा है, हर साल उसको रिवाइज करता है। थोड़ा गर्व हुआ, रोमांच हुआ कि मेरे पूर्वज तब से कर रहे हैं। और फिर ये अनुभूति के अब वह परंपरा उस भूमि पर जीवित नहीं है। मेरे पूर्वजों ने वो परंपरा शुरू की और चलाई और मेरी पीढ़ी उसे उस भूमि पर नहीं बचा पाई। आज हम किसी तरह कश्मीर से बाहर उस परंपरा को जीवित रखे हो, जैसे किसी पेड़ को उखाड़ करके आप गमले में डाल दें, अब देखें कितने दिन चलता है। तो मुझे ध्यान आया कि कुछ और पता करना चाहिए कश्मीर के बारे में। अगर इतनी पुरानी टाइम कीपिंग की परंपरा है, ट्रेडिशन है, तो कुछ और भी रहा होगा। बड़े बूढ़ों से पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा जाके नीलमत पुराण पढ़ो, वो हमारा स्थल पुराण है। मुझे पता क्या भाई पुराण कितने पुराने होते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए नया से नया पुराण भी कम से कम 1000 साल पुराना है, हमारा पुराण तो लगभग 1700 साल पुराना था। बढ़िया, कहां मिलेगा, ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि एक डॉक्टर वेद कुमारी घई हैं, उन्होंने उस पुराण पर पीएचडी की है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उनको पीएचडी मिली, उन्होंने उसे ट्रांसलेट किया, ढूंढी, वो प्रति अंग्रेजी में मिल गई, पढ़ना शुरू किया। ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए कि किसी ने बताया ही नहीं था कभी, मेरे माता पिता को तक पता नहीं था, तो मुझे कहां से बताते हैं। तो समझ में आया कि साहब मेरी शिक्षा, मेरे कक्षा, मेरे शिक्षक, मेरे पाठ्यक्रम, मेरी डिग्रीज मुझे ये नहीं बताते कि मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन हैं, मैं किस परंपरा का वाहक हूं, किनका वंशज हूं। वो जब थे तो उन्होंने क्या किया था, मेरी पहचान क्या है। क्षमा कीजिएगा, मैं विश्वविद्यालय में हूं, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में पाठ्य पुस्तकों में इस बात पर कोई बल नहीं है कि आप कौन हैं, आपका अपना इतिहास क्या है, आपकी अपनी परंपरा क्या है, आपके अपने प्रेरणा के स्रोत कौन है, आपके पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या किया, आपकी पीढ़ियां किस काम में खप गईं, और उसमें से क्या सहेजने लायक है, किससे क्या सीखना है, क्या प्रेरणा लेनी है,
सब कुछ नहीं है। वी आर रूटलेस वंडर्स, इसीलिए जाके लग जाते हैं दूतावासों के बाहर लाइन में वीजा इकट्ठे करने के लिए कि बाहर जाके रहेंगे, देश में कुछ नहीं रखा, कूड़ा करकट है। आपने गीत सुना बड़ा सुंदर यहाँ का विश्वविद्यालय का, मुझे मेरे विद्यालय का गीत याद आया। उस गीत के माध्यम से थोड़ा लगता है कि इतिहास था। वो गीत मैं आपको बताऊं, जब यहां गीत सुन रहा था तो मुझे याद आया, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, दो पंक्ति बताऊंगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। ये मेरे विद्यालय का गीत था। तो कम से कम गीतों में याद आ जाता है कि कोई तक्षशिला था, कुछ नालंदा था। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता ने हमें कुछ इतिहास के ऐसे तथ्य बताए हैं जो इतिहास से गोल हैं। अगर आप केवल इतिहास पढ़ें, आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ पता नहीं चलेगा। फुटनोट है, फुटनोट भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक में खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी पढ़ें तो आप में एक स्वत्व का बोध जागेगा कि भूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। तो यदि आप इतिहास के इन छोटे छोटे अंशों के विषय में जानते हैं तो वो कहीं और से छन छन के आता है, इतिहास की पुस्तक से नहीं आता है। मुझे ये बोध हुआ कि पूरे इतिहास का जो काम है वो मुझे मेरे इतिहास से काटने पे तुला हुआ है। उसने मुझे 300 साल के मुगल पीरियड में समेट के रख दिया है। मुझे ये मालूम है कि बाबर कौन था, बाबर का बेटा हुमायूं कौन था, हुमायूं का बेटा अकबर कौन था, अकबर का बेटा जहांगीर कौन था, जहांगीर का बेटा शाहजहां कौन था, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आप पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बेटों, बच्चों, रानियों, मकबरों, महलों के बारे में जानते रहते हैं, सिर्फ दिल्ली तक सीमित। आपको अगर युद्धों के बारे में बताया जाता है तो वो पानीपत की तीन लड़ाइयां जो तीनों की तीनों हमने हारी, एक बाबर ने जीती, एक अकबर ने जीती, एक अब्दाली ने जीती। फिर आपको बताया जाता है एक बक्सर की लड़ाई थी जो अंग्रेज ने जीती, फिर पलासी की लड़ाई थी वो भी अंग्रेज ने जीती। यार हम हजारों साल से रह रहे हैं, हमने कुछ तो किया होगा जो आज तक जिंदा है। हमें बताते हैं जब महमूद गजनवी आता था, जैसे सर्दियों की छुट्टियां मनाने आता था, दौड़ता दौड़ता सोमनाथ तक चला जाता था और उसको लूट कर तोड़ कर सैकड़ों हाथियों पर टनों लूट का सामान लाद कर हजारों औरतों को बंदी बनाकर कारीगरों को बेड़ियां पहनाकर ले जाता था मध्य एशिया की मंडियों में इन लोगों को बेचने के लिए और वहां के अपने शहर बसाने के लिए, उन कारीगरों से बेगार कराने के लिए। जब मन आता था आ जाता था और लूट के चला जाता था, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि 1030 में जब वो मर गया तो 1192 तक, जब तक मोहम्मद गौरी नहीं आया, 160 साल का अंतराल है। अफगानिस्तान से कोई लुटेरा क्यों नहीं आया 150 साल तक? क्या हुआ, वहां सर्दियां पड़नी बंद हो गई या उनको छुट्टियां मनाने का शौक चुक गया? मैं बताता हूं क्या हुआ। उसका भतीजा 1032 में आया,
एक बड़ा सा लश्कर लेकर, और बहराइच में एक सुहेल देव पासी था छोटा सा राजा, उसने वो मार लगाई, 30,000 सैनिक वहां दफन कर दिए उसके, 150 साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भारत में। लेकिन आपको सुहेल देव पासी के बारे में कुछ पता है क्या? ऐसे हमको इतिहास पढ़ाया गया है, आपको बताया जाएगा कि मुगल थे, मुगल के बाद अंग्रेज आए, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के बीच में 70 साल तक उस पूरी बेल्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मराठों ने शासन किया, ये कोई नहीं बताया। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एक बप्पा रावल हुआ था, 713 ईस्वी में पैदा हुआ था। मैं आपको बताऊं, देखिए 713 ईस्वी में बप्पा रावल पैदा हुआ, उसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की। थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दूं हिस्ट्री में, तो 711 ईस्वी में पहला अरबी लुटेरा भारत आकर के उसने शासन स्थापित किया था सिंध में, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 711 ईस्वी। और 713 ईस्वी में बप्पा रावल पैदा होता, 711 ईस्वी में ये इस्लामी लुटेरा सिंध आ जाता है, और उसको दिल्ली पहुंचते पहुंचते लगभग 500 साल लगते हैं, 1192 में दिल्ली फतेह होती है इन लुटेरों से। तो ये 500 साल का कालखंड बीच में क्या हो रहा था, कहां गया? बप्पा रावल जैसे शासक थे, ललितादित्य जैसे शासक थे, ये वो बप्पा रावल है जिसका वंशज था राणा सांगा, ये वो बप्पा रावल और राणा सांगा है जिनका वंशज था महाराणा प्रताप, जिसने 16वीं शताब्दी में अकबर से लोहा लिया। सोचिए 8वीं शताब्दी, 711 ईस्वी में बप्पा रावल पैदा हुआ, और 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप, लगभग 800 साल का कालखंड है। ये मेवाड़ राज्य है, ये वो बप्पा रावल है जिसके नाम से रावल पिंडी है। इतिहास से गोल है ललितादित्य, आपने नाम सुना है ललितादित्य का? ललितादित्य मुक्तपीड़, कारकोट वंश, कैस्पियन सागर तक उसका उत्तर पश्चिमी सीमा थी साम्राज्य, कावेरी तक उसकी दक्षिण सीमा थी, प्राग ज्योतिषपुर, गौहाटी जिसे हम कहते हैं पूर्वी सीमा थी, कन्नौज का राजा उसको ट्रिब्यूट पे करता था, राष्ट्रकूटों का शासन था महाराष्ट्र गुजरात के इलाके में। ये वो कालखंड था जब इस्लाम आंधी की तरह पूरे दुनिया में तबाही मचा रहा था, तब उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। आपके इतिहास से गोल है, आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। आपके इतिहास में सिर्फ दो ग्रेट है, अकबर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, इन दोनों के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य था ललितादित्य का। ग्रेट तो छोड़िए, वो है ही नहीं, फुटनोट में नहीं है। अकबर द ग्रेट ग्रेट इसलिए है क्योंकि वो तो इंपोर्टेड था, उज़्बेकिस्तान से था, और अशोक द ग्रेट ग्रेट इसलिए है क्योंकि उसने धर्म त्याग कर बौद्ध बन गया था। तो जो आपको हीन महसूस करवाए, निर्बल महसूस करवाए, आपको अपनी जड़ों से विमुख करे, अपनी पहचान से विमुख करे, वो तो ग्रेट है। रानी अबक का ग्रेट नहीं है। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे पहले एक और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको
उनका बेड़ा दुर्दान था। पूरे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक उनकी धाक थी एक अकेली रानी ने केरला की, पूरा बेड़ा डुबो दिया था। उसके बाद 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की आई। अगर वो बेड़ा ना डुबोया होता तो आज जो कुछ आप अंग्रेजी में गिटपिट पढ़ते लिखते सुनते हैं आप पुर्तगाली में डच में करते। क्योंकि तब यहां भारत जो है डच उपनिवेश होता, लेकिन आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये एक हमारी सामूहिक त्रासदी है कि हम अपने महापुरुषों, अपने इतिहास, अपनी परंपरा से, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से न केवल वंचित हैं, बेखबर हैं। और जैसे एक बड़ा सुनियोजित प्रयास है, एक लेखक ने कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं उसका नाम, कहते हैं ऐसा प्रयास है जैसे मुझ में से मुझे निचोड़ के बाहर निकाल दिया गया है और फिर मुझ में कुछ और भरा जाने लगा है। तो मैं एक खोल हूं जो बाहर से तो दिखता हूं अलग थोड़ा सा, लेकिन अंदर से मुझ में कोई और खुद को भर रहा है। They squeeze me out of myself and then fill me up with themselves. तो हम दिखने में तो भारतीय हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा खानपान, हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, वो सब हमारी नहीं। ये प्रयास हमें हमारी शिक्षा के थ्रू, हमारे पाठ्यक्रमों के थ्रू किया जा रहा है और ये सतत जारी है। एक बड़ी विडंबना हुई अभी 27 सितंबर को, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, आज के इस सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनसे पहले सवाल पूछा गया कि भाई आपकी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, आपकी शिक्षा नीति कहां है? मैं एक शिक्षा के केंद्र में हूं, शिक्षा के विषय में बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा हाँ बस अभी तैयार है, आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। वो 27 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज हम लोग जनवरी में बैठे हैं, अभी तक उसका प्रारूप नहीं आया है जिस पर बहस की जा सके, और बहस करने के बाद उसमें बाकियों के विचार सम्मिलित होकर उसको और ठीक दुरुस्त किया जाए। वो कब होगा, उसके बाद वो कब इंप्लीमेंट होगी, फिर उसका रिजल्ट कब निकलेगा? 4.5 साल हो गए, अभी उसका बेसिक ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि हाँ तैयार है, अभी आ जाएगी, खैर पता नहीं कब आएगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो और भी रोचक, उन्होंने कहा आप लोग नाहक हम पर ये इतिहास को और पाठ्य पुस्तकों को बदलने के आरोप लगाते हैं। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में हमें किसी पुस्तक के किसी चैप्टर का एक पैराग्राफ भी नहीं बदला है। ये इस सरकार के शिक्षा मंत्री का सार्वजनिक बयान है। आप माथा नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे? जिसे जनादेश मिला था बदल के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, दे आर ग्लोटिंग ओवर द फैक्ट दैट दे हैव डन नथिंग। खैर मैं वापस आता हूं, कश्मीर कहीं बहुत पीछे छूट गया। कश्मीर के विषय में जब मैंने जाना, जानने की कोशिश की, तो पता चला कि कश्मीर इस देश की ज्ञान परंपरा का उद्गम है।
जिस श्लोक से मैंने प्रारंभ किया वो श्लोक आदि शंकर का था। उन्होंने शारदा को कश्मीरपुर वासिनी कहा, शारदा यानी माँ सरस्वती यानी ज्ञान की देवी जिसका निवास कश्मीर में है, इसीलिए वो तब आज से 1200 साल पहले 1300 साल पहले केरल के कालड़ी से पैदल चल करके गए शारदा पीठ जो कश्मीर में है। जब वो गए थे तो वो शंकराचार्य थे, छोटी उम्र में ही इतना ज्ञान था, इतना पांडित्य था, इतनी विद्वता थी कि वो शंकराचार्य थे। लेकिन जब वहां पहुंचे, वहां की विद्वत परिषद से सम्मुख हुए, वैचारिक आदान प्रदान हुआ, तो वहां की विद्वत परिषद इतनी चमत्कृत थी कि शारदा पीठ का दक्षिण द्वार खुला, वो पीठासीन हुए और वहां वो जगत गुरु कहलाए। वो शंकराचार्य कश्मीर को शारदा को कश्मीरपुर वासिनी कहते हैं और कश्मीर को शारदा प्रदेश कहते हैं। काशी के छात्र स्नातकोत्तर दीक्षा समारोह में चार पल कश्मीर की दिशा में चलते हैं इस सांकेतिक रूप में कि आगे की विद्या कश्मीर में जाके अर्जित होगी। काशी में जो हमारी संस्कृति के कोर में है, जो स्वयं विद्या का एक अनूठा स्थान है, प्राचीनतम नगरी है, ये महत्व था कश्मीर। पाणिनि का नाम सुना होगा आप लोग, उनका जन्म हुआ स्वात में, उनकी अष्टाध्यायी पर टीकाएं मीमांसाएं महाभाष्य लिखे गए कश्मीर में। स्वात भी कश्मीर घाटी को एक ही स्थान है, मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर है द क्रो फ्लाइज। ये वो स्वात है जहां मलाला यूसुफजई के सर पर गोली मार दी गई थी, क्योंकि वो आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, छात्रा थी, चाहती थी कि वो और पढ़े। आज स्वात का ये हाल है कि वहां तालिबान की तूती गूंजती है, वो कहते हैं लड़कियों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनका काम सिर्फ घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, नस्ल को बढ़ाना है, बस। ये उस क्षेत्र का हाल है जहां स्वात में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, जो हमारे ग्रंथों का आधार है, व्याकरण है, उन ग्रंथों का, उस संस्कृति का जिसमें गार्गी हुई, जिसमें मैत्रेयी हुई, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया, अपनी विद्वता का परिचय दिया, उस संस्कृति की स्वाद से उखड़ जाने के कारण आज यह दुर्दशा है कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को उस दुस्साहस के लिए सर पे गोली मार दी। यदि किसी क्षेत्र का अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से, अपने उदात्त मूल्यों से नाता टूट जाता है तो आने वाली पीढ़ियां कैसे अभिशप्त होती हैं उसका उदाहरण है। आज वह संस्कृति कश्मीर की भूमि से उखड़ गई है। ये वो भूमि है जहां मम्मट हुए जिन्होंने काव्य शास्त्र लिखा, पोएटिक्स के ऊपर डिफाइनिंग टेक्स्ट है दुनिया में, जहां आनंद वर्धन हुए जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, ध्वनि। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं, मेरे एक मित्र हैं, वो कानपुर आईआईटी में पढ़ाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर नचिकेता तिवारी, उन्होंने अल्बाना शैंपेन से फिजिक्स में पीएचडी की और उसके बाद 11 साल बोस कॉर्पोरेशन में काम किया अमेरिका में। बोस कॉर्पोरेशन तो आप समझते हैं, बोस के स्पीकर्स, साउंड, तो ध्वनि के विषय में उनको विशेष जानकारी है। वो कहते हैं कि जब मैं ध्वन्यालोक पढ़ता हूँ मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि हजार दो हजार
हजार साल पहले इस देश में साउंड के ऊपर ये ज्ञान था, ये मेधा थी, ये शास्त्र था। पतंजलि ने योग सूत्र लिखे तो वही लिखे, शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा, ये वो संगीत रत्नाकर है जिसमें से दोनों परंपराएं हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा और कर्नाटिक शैली निकलती हैं, जो हमें डिफाइन करती हैं एज अ कल्चर। यू नो म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर्स ऑफ कल्चर, ये हमारे संस्कृति के पहचान के कुछ प्रमुख अव्यय हैं, हिस्से हैं कि हमारा संगीत कैसा है, हमारी कला कैसी है, हमारी स्थापत्य कला कैसी है, हम नगर कैसे बनाते हैं, हम पहनते क्या हैं, हम खाते क्या हैं। तो वो शारंगदेव अपना परिचय प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुल वंशम श्रीमद काश्मीर संभवम, कश्मीर का नाम बहुत आदर से श्रीमद कश्मीर है, अपनी मातृभूमि का और अपना परिचय देते। अभिनव गुप्त हुए आचार्य, अभिनव गुप्त था, भरत मुनि हुए, उनका नाट्य शास्त्र हुआ। आचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक दिया, उन्होंने रस का सिद्धांत दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, पोएटिक्स के ऊपर लिखा, उन्होंने टीका लिखी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिनव भारती, क्योंकि उसके बिना आप उस नाट्य शास्त्र को ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था अभिनव गुप्त का, जिस भी विधा में हाथ डाला एक प्रामाणिक शास्त्र लिख डाला। ये वो अभिनव गुप्त है जो कम से कम 80 विश्वविद्यालयों में आज पढ़ाया जाता है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा इन 80 विश्वविद्यालयों में से एक भी भारत में नहीं है। आपको अभिनव गुप्त की आवश्यकता नहीं है, आपको अगर अभिनव गुप्त के बारे में जानना सुनना है, किसी विद्वान से मिलना है, तो जाइए इटली जाइए, राफाएल टोरेला है वो आपको बताएंगे, एक रिचर्ड लड़के हैं यूएस में वो बताएंगे, एक जर्मन महिला है बेटीना बॉमर, उसने अपना नाम लिख दिया है बेटीना शारदा बॉमर, वो बड़ी सी बिंदी लगाती है, साड़ी पहनती है, ये प्रभाव पड़ा है उस पर अभिनव गुप्त का। हमें अभिनव गुप्त से कोई लेना देना नहीं, हमें उसे पढ़ना नहीं है, हमें उसे पढ़ाना नहीं है। अभिनव गुप्त मेरा पूर्वज, मुझे पता ही नहीं वो कौन था, उसने क्या लिखा, उसका क्या महत्व था। मैंने अपना जीवन चौपट कर लिया कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने में, कि लोगों के पैसों का किस तरह ठीक से देखभाल की जाए, हाइट ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं। कश्मीर में एक मुसलमान गलती से संस्कृत पढ़ने लगा, आप हैरान होंगे, उसको पता नहीं क्या सूझी, किसी और विषय में एडमिशन मिला नहीं मिला या छात्रवृत्ति मिल गई, तो संस्कृत पढ़ने लगा। उसने अभिनव गुप्त को पढ़कर इतना प्रभावित हुआ, उसने अपने बेटे का नाम अभिनव रखा। आज वो जिंदा है, उसको कश्मीर ने लगभग समाज से निकाला दे दिया है, और जम्मू में उसका परिवार रहता है। क्या कीजिएगा, इतना बड़ा संकट है। जो ललिता आदित्य जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो कश्मीर में राजा था, उसकी राजधानी कश्मीर थी, वहां से उसने साम्राज्य स्थापित किया।
जिस क्षीमेंद्र की मैं बात करता हूं, जिस आनंदवर्धन की बात करता हूं, जिस भट्ट लोलट की बात करता हूं, जिस कैयट की और हुयट की बात करता हूं, ये सब कश्मीरी थे। आप कहेंगे कि आप ये संस्कृत के हिंदू सनातनी आगमी शैव इन सब की बात कर रहे हैं, चलिए छोड़िए, हम लोग बहुत सेक्युलर है ना। हर्षवर्धन हुआ कनिष्क राजा था, कनिष्क कुल का, कुषाण कुल का, कनिष्क था उसका नाम, कुषाण वंश का राजा था, कश्मीर से शासन करता था। आज से 2100 वर्ष पहले उसने चौथी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुलाई, चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन कश्मीर में बुलाया 2100 साल पहले, बुद्ध के 400 साल बाद, 6 महीने चला। यहां दक्षिण से नागार्जुन एक वैष्णव ब्राह्मण थे, वो गए कश्मीर में, तो पहले से ही बहुत से विद्वान थे, उन्होंने वहां चिंतन मनन किया और बौद्ध मत में से एक और नया आयाम निकाला जिसको हम महायान बौद्ध मत कहते हैं, वज्रयान कहते हैं। उस बौद्ध मत को लेकर के कुमारजीव, पद्मसंभव, अश्वघोष मध्य एशिया गए, तिब्बत गए, वहां से चीन जापान कोरिया गए, बुद्ध के 400 वर्ष बाद कश्मीर में जन्म लिया इस मत ने। ज्ञान परंपरा का कोई पंथ संप्रदाय नहीं होता है, 2+2 ईसाई भी 4 बताएंगे, हिंदू भी 4 बताएंगे, मुसलमान भी 4 बताएंगे, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। व्याकरण के सिद्धांत पंथ निरपेक्ष होते हैं, रस की भाव की निष्पत्ति पंथ निरपेक्ष होती है, साहित्य गीत संगीत कला स्थापत्य कला मूर्ति कला ये पंथ निरपेक्ष होती है। ये पागल लोग हैं जो तोड़ डालते हैं इमारतों, इमारत पत्थर क्या हिंदू मुसलमान होते हैं? लेकिन अगर आप हम्पी जाएंगे, हम्पी आपने नाम सुना है, जाकर के देखिए, 60 के दशक में सर विद्याधर नायपॉल, जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का, 4th जनरेशन इंडियन थे कैरेबियन मूल के, ट्रिनिडाड में पैदा हुए, वो अपने पूर्वजों का देश देखने आए भारत, उनके पूर्वज गिरमिटिया, जब स्लेवरी अबॉलिश हुई, दास प्रथा का अंत हुआ, तो दास मुक्त कर दिए गए, अब अंग्रेजों को अपने खेतों में काम कराने के लिए कुछ तो लोग चाहिए थे, तो उन्होंने भारत से पानी के जहाजों में भर भर के लोग फिजी, गयाना, सुरीनाम, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कहां कहां ले जा करके उनसे खेती में काम कराया। तो उस खेत के भारतवंशियों में से चौथी पीढ़ी के सर विद्याधर नायपॉल अपने पूर्वजों की भूमि भारत देखने आए, घूमते घूमते हम्पी पहुंचे तो अवाक रह गए। कहते हैं कि जैसे ऐसे लगता था मानो उन खंभों में से कविता फूट रही हो, इतनी सुंदर कलाकृतियां, इतना सुंदर स्थापत्य, इतनी बेहतरीन भवन और शहर, लेकिन इतनी निर्ममता से तोड़े गए, उन मूर्तियों को उनके चेहरे बिगाड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, नाक तोड़ दी गई, बर्बाद किया गया जानबूझकर। मैंने कहा कि ये किस तरह की मानसिकता है। मैंने कहा कि देखिए साहब, यहाँ ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी, उसके बाद जब बहमनी सुल्तान यहाँ आए, उन्होंने विजय प्राप्त की, तो उन्होंने इसे तोड़ा। कोई तोड़ा क्यों? कोई चीज सुंदर हो तो मन करता है कि आप की हो जाए। लोग में यही होता है ना कि सुंदर चीज है तो फिर मेरी हो। ये कौन सी मानसिकता है कि सुंदर चीज है तो मैं इसका सत्यानाश करूंगा, इसे तोड़ूंगा, इसको खत्म कर दूंगा।
क्योंकि मन में ये कचोटता रहता है कि ये मेरी तो है नहीं, ये किसी और की कलाकारी है, ये किसी और की मेधा है, ये किसी और का अजूबा है, और उसके प्रति ऐसी ईर्ष्या है, ऐसी घृणा है कि क्योंकि वो मेरी नहीं हो सकती इसलिए उसका खत्म होना जरूरी है, उसका बिगड़ना जरूरी है, उसका बदसूरत होना जरूरी है। होता है, चलिए आपकी ना हो सके आप उसको खत्म करते हैं, लेकिन अब तो आपकी है ना, आपने लूट लिया, आपका शहर है ये, पूरा राज्य आपका है, कौन सी मानसिकता है। और ऐसी ही मानसिकता के चलते जो परिणाम निकले तो उसमें से एक लिटरेचर पैदा हुआ जिसके लिए जीएस नेपॉल को नोबेल मिला, अ वुंडेड सिविलाइजेशन उन्होंने लिखा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस उन्होंने लिखा, अमंग द बिलीवर्स उन्होंने लिखा, और इस सभ्यता के साथ, इस संस्कृति के साथ कैसी कैसी अमानवीयताएं हुई थी वो दर्ज की। ये हाल हमने कश्मीर में भी होते देखा है। आज आप हमें तो उस वहां से खदेड़ चुके हैं, अब हमारे वहां के स्मृति चिन्ह बिगाड़ रहे हैं, वहां की जगहों के नाम बदल रहे हैं। अनंतनाग का नाम इस्लामाबाद कर दिया, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कर दिया, हारी पर्वत का नाम कोह मारान कर दिया, विचारनाग का नाम फिरदौस कर दिया, गौगदल का नाम मदीना चौक कर दिया। करना क्या चाह रहे हैं? और ये सब हम होते देख रहे हैं, होने दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लीपापोती हो रही है, इस छेड़खानी पर जैसे स्पाइक वॉश हो रहा है। ये चुनौतियां हैं, जब मैं कह रहा था कि हमारे अस्तित्व को भी चुनौती है, हमारी अस्मिता को भी चुनौती है, तो ये उस चुनौती के साक्ष्य हैं। जैसे अगर आपको साक्ष्य की आवश्यकता हो तो एक और तथ्य था जिससे मुझे साक्षात्कार हुआ, मैं सच बताऊं आज भी जब उसको याद करता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि ये भी मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, एक बार बस मन में आया तो मैं ढूंढने निकल गया, लोगों से पूछा, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला है। दिल्ली हमारी सभ्यता के केंद्र में रहा है, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, ये महाभारत काल के शहर है ना, जो पांच गांव पांडवों ने मांगे थे वो यही थे, इंद्रप्रस्थ, पर्णप्रस्थ पानीपत था, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत था, व्याघ्रप्रस्थ बागपत था, कर्णप्रस्थ करनाल था, जहां भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में शरशैया पर लेटे थे, वो शरशैया आज सिरसा है हरियाणा का। उस महाभारत काल की इस दिल्ली, 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना इतिहास है महाभारत काल का, तब से अनवरत ये संस्कृति चली आ रही है। आप इस दिल्ली में, दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस में, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आज की उस 5000 से ज्यादा वर्ष पुरानी दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस में आप मुझे 100 साल पुराना एक मंदिर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं आपको 800 साल पुरानी मस्जिद दिखा सकता हूं, मैं आपको 500 साल पुराना गिरजा दिखा सकता हूं, जिन मतों का, जिन पंथों का इस जमीन पर कोई वजूद नहीं था, लेकिन आप मुझे 5000 साल पुरानी संस्कृति का एक अवशेष दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। क्या हुआ है हमारे साथ? मैंने और होता तो पता चला 1926 में एक बिरला मंदिर दिल्ली में बना, ये पिछले 800 साल में एक ऐसी घटना है जिसमें कोई मंदिर बना हो या किसी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ,
1926 का बिरला मंदिर दिल्ली में बनाया, उससे पहले 800 साल तक एक मंदिर नहीं बना। किन परिस्थितियों में रह रहे थे हम, कैसे पूर्वज शहर जी रहे थे, कैसे बचे रहे, क्या प्रहार थे हमारी अस्मिता, कोई इतिहास बताता है हमको, कोई पाठ्य पुस्तक बताती है, किसी कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो मेरा आग्रह केवल इतना रहेगा कि आप विश्वविद्यालयों में जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लीजिए, आगे अपने करियर बनाने के लिए उद्यम करते हैं, कीजिए, लेकिन खुद को, अपनी अस्मिता को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए भी जो कुछ यथेष्ट है करते रहिए, वरना एक बड़े सुंदर तरीके से किसी ने बताया था कि जब कोई स्कूल पढ़ जाता है तो गांव के काम का नहीं रहता, ग्रेजुएट हो जाता है तो जिले के काम का नहीं रहता, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो राज्य के काम का नहीं रहता, और अगर पीएचडी हो जाता है तो देश के काम का नहीं रहता। ऐसी शिक्षा किस काम की है? मैंने आपका बहुत समय लिया, आपसे क्षमा चाहता हूं, आपके धैर्य की और ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा, यदि आपके कोई प्रश्न हो और मैं उनका जवाब दे पाऊं तो पूरा